हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं और चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, पहले अक्षर को सॉल्व करते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक दो तीन, ठीक है। क्या हो गया, एक दो तीन। अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, ए दो तीन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें ए में क्या किया है, ए में एक जोड़ा है तो दो हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, बी में, बी में एक जोड़ा है तो सी हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी तीन में एक जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, और डी नंबर पे क्या पड़ता है, चार, चार नंबर पे डी पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में डी दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, और बी सी डी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पी वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं कि पी कैसे आया, ठीक है। डी तो हमारा आ गया। देखिए दोस्तों, जेड जेड और यक्स, जेड हमारा किस नंबर पड़ता है, 26 नंबर पड़ता है, और यक्स हमारा 24 नंबर पड़ता है। तो क्या किया है, जेड में से माइनस दो किया है, क्या किया है, जेड में से माइनस दो किया है, यानी कि इसमें दो माइनस कर दिया है, ठीक है। जेड में से दो माइनस किया है तो यक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वी और टी दिया है, तो वी हमारा किस नंबर पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है 22 नंबर पर, ठीक है, और टी हमारा 20 नंबर पड़ता है। तो इसमें से क्या किया है, इसमें से भी माइनस दो कर दिया है, इसमें से भी माइनस दो कर दिया है, ठीक है। तो माइनस दो कर देगा तो वी टी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आर दिया और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो देखिए दोस्तों, आर और क्वेश्चन मार्क, आर हमारा किस नंबर पड़ता है, 18 नंबर पड़ता है, ठीक है। तो 18 में से क्या करेंगे, देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 18 में से दो माइनस करेंगे, क्योंकि इनमें और इनमें दो दो माइनस किया है, तो इसमें दो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आएगा, और 16 नंबर पर क्या आता है, पी आता है, क्या आता है, पी आता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, पी। तो देखिए दोस्तों, पी और डी आ गया, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है। इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 8, 24, 12, क्वेश्चन मार्क 18, 54, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों, 8 में क्या किया है कि 24 आ गया है, 8 में क्या किया है, 3 से गुणा कर दिया है, क्या किया, 8 में 3 से गुणा कर दिया है तो 24 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 24 में 2 से भाग दे दिया है तो 12 आ गया है। पहले क्या किया, पहले गुणा किया 3 से तो 24 आया, फिर 24 में 2 से भाग दिया तो 12 आया। अब क्या करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, 12 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा, कितना आ जाएगा, 36। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान क्या भरा जाएगा, 36 भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो अब क्या करेंगे, 36 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगी, 18 में 3 से गुणा कर देंगे, 18 में 3 से गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा, यानी कि ए स्टेप सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 36 भरा जाएगा। किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। पहले क्या किया, 3 से गुणा किया, फिर 2 से भाग किए, फिर उसके बाद 3 से गुणा किए, फिर 2 से भाग किए, फिर 3 से गुणा किए, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक ऑप्शन आ गया, 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है, इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है और चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एस टी 39, यू वी 43, डब्ल्यू एक्स 47 और क्वेश्चन मार्क। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, पहले क्या करते हैं, इन अक्षर को छोड़ देते हैं, इन अक्षर को छोड़ देते हैं, पहले हम अंक को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या किया है, 39 में क्या किया है कि 43 हो गया है, 39 में प्लस 4 कर दिया है तो 43 हो गया है, ठीक है। और फिर क्या किया है, 43 में प्लस 4 कर दिया है तो 47 हो गया है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि 47 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और 51 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए दोस्तों, अंक हमारा 51 आ गया, और ऑप्शन नंबर ए और बी और
डी इसमें नहीं दिया है 51, ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है, हमें 51 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इन अंक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इन अक्षर को सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व करेंगे तो कोई बात नहीं, हमें क्या आंसर तो मिल गया, इतना भी करके हम आंसर दे सकते हैं, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यस टी, यस हमारा टी, ठीक है, यस हमारा 19 नंबर पड़ता है, टी हमारा 20 नंबर पड़ता है, ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि एक जोड़ दिया है, यस में एक जोड़ दिया है, तो कितना हो गया है, कितना हो गया है, 20 हो गया है, यानी कि 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 ही होगा ना, ठीक, फिर यहाँ पर क्या दिया है, यू भी, तो देखिए दोस्तों यू हमारा 21 नंबर पड़ता है, बी हमारा 22 नंबर पड़ता है, इसमें भी क्या क्या है, इसमें भी एक जोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि 21 में एक जोड़ा है तो 22 हो गया है, इसमें भी एक जोड़ दिया है, उसके बाद इसमें क्या क्या है, देखिए दोस्तों डब्लू, डब्लू हमारा 23 नंबर पड़ता है, एक्स हमारा 24 नंबर पड़ता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी एक जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 23 में एक जोड़ेंगे 24, यानी कि एस टी में एक जोड़ा था, यू बी में एक जोड़ा था, डब्ल्यू एक्स में भी एक जोड़ा था, ठीक है, तो आ गया कितना, अब क्या करेंगे कि वाई जेड, वाई जेड देखिए दोस्तों वाई हमारा किस नंबर पड़ता है, वाई हमारा 25 नंबर पड़ता है और जेड हमारा 26 नंबर पड़ता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी एक जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, वाई जेड, यानी कि वाई में एक जोड़ दिया है तो जेड हो गया है, इसलिए वाई और जेड, वाई जेड और 51 यहाँ पर भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर चार, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है, क्यू वन एफ, एस टू ई, यू सिक्स डी और डब्ल्यू 24 सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों पहले क्या करेंगे, इन पहले अक्षर को सॉल्व कर लेते हैं, क्यू एस यू डब्ल्यू, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है, यस हो जाएगा और यू हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्यू, क्यू हमारा 17 नंबर पड़ता है, यस हमारा 19 नंबर पड़ता है और यू हमारा 21 नंबर पड़ता है, डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पड़ता है, तो हमने क्या किया, इसे अंक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों अब इसे क्या करेंगे, इसमें क्या किया, क्यू में दो जोड़ा है तो 19 हो गया है, ठीक है, फिर 19 में क्या किया है, इसमें भी दो जोड़ा है तो 21 हो गया है, फिर 21 में क्या किया है, इसमें भी दो जोड़ा है तो कितना हो गया है, 23 हो गया है, ठीक है, अब क्या करेंगे कि 23 में भी दो जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई संख्या आ जाएगी, इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 नंबर पर क्या आता है दोस्तों, वाई आता है, ठीक है, तो देखिए दोस्तों वाई किस किस आपने दिया है, ए बी डी, सी में नहीं दिया है तो सी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसमें से अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस अंक को सॉल्व करेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो चलिए इस अंक को सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या दिया, पहले एक दिया है, फिर दो दिया है, फिर छः दिया है, फिर 24 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए एक में क्या किया कि यहाँ दो आ गया है, फिर दो में क्या करेंगे, छः आ जाएगा और छः में क्या करेंगे कि 24 आ जाएगा और 24 में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक संख्या आ जाएगी, तो क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे, अगर हम एक में दो से गुना करेंगे तो दो आएगा, ठीक है, फिर दो में क्या करेंगे, दो में तीन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, छः में हम चार से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि पहले दो तीन चार, अब किससे गुना करेंगे, पाँच से गुना करेंगे, ठीक है, पाँच से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में दिया है, आप 120 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखिए दोस्तों पहले क्या आया था, वाई आया था, अब क्या आ गया, 120 आ गया, ठीक है, तो अब किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाई 120, और किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों वाई और 120 इसमें दिया है, ठीक है, अगर आपको बी वाले को भी सॉल्व करना है तो इसे मैं बता दे रहा हूँ, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कर लेंगे, पहले एफ हो जाएगा, ठीक है, एफ ई डी सी, ठीक है, तो एफ ई डी सी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या हो गया, एफ
ई डी सी और क्वेश्चन मार्क। तो अब कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों एफ हमारा 6 नंबर पड़ता है और ई हमारा 5 नंबर पड़ता है, डी हमारा 4 नंबर पड़ता है, सी हमारा 3 नंबर पड़ता है। तो इसमें क्या किया, इसमें एक एक माइनस करता चला गया, इसमें से एक माइनस किया है तो 5 आ गया है, फिर 5 में से एक माइनस किए हैं तो 4 आ गया है, 4 में से एक माइनस किए हैं तो 3 आ गया है, 3 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा वाई 120 बी। ठीक है, तो किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पांचवा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सी वाई डी एफ टी एच आई ओ एल एल जे पी और क्वेश्चन मार्क। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए दोस्तों पहले 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 अक्षर को सोल्व करते हैं, सी एफ को, ठीक है, आई को, एल को और क्वेश्चन मार्क को। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, एल हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे पहले अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सी हमारा 3 नंबर पर हो जाएगा और एफ हमारा 6 नंबर पर हो जाएगा, आई हमारा 9 नंबर पर हो जाएगा, एल हमारा 12 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे कि सी में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी में 3 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा और एफ में 3 जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 पे क्या आता है, आई आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है। तो अब सब में 3 जोड़ते चले आए हैं तो इसमें भी 3 ही जोड़ेंगे ना, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में ओ दिया है, बी सी डी, 3 ऑप्शन दिए, ए में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा और इन तीनों में से कोई एक सही होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, वाई टी ओ जे और क्वेश्चन मार्क को सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए वाई हो जाएगा, टी हो जाएगा और ओ हो जाएगा और जे हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं, अंक में कन्वर्ट करेंगे तो वाई हमारा 25 नंबर पे आएगा, टी हमारा 20 नंबर पे आएगा और ओ हमारा 15 नंबर पे आएगा और जे हमारा 10 नंबर पे आएगा। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए दोस्तों वाई में से क्या करेंगे कि 20 आ जाएगा, वाई में से माइनस 5 कर देंगे तो टी आ जाएगा। ठीक है, अब टी में से माइनस 5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और 15 में से माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, और 5 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, ई आता है। ठीक है, तो क्या आ गया, पहले हमने सॉल्व किया तो ओ आया था, उसके बाद ई आया था। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है, ओ और ई, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, और ए और बी, सॉरी ए और डी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि लास्ट वाले अक्षर को सॉल्व करेंगे, डी एच एल पी को। तो चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एच हो जाएगा और एल हो जाएगा और पी हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी हमारा 4 नंबर पड़ता है, एच हमारा 8 नंबर पड़ता है, एल हमारा 12 नंबर पड़ता है, पी हमारा 16 नंबर पड़ता है। इसमें क्या क्या है, इसमें 4 जोड़ दिया है, 4 में 4 जोड़ा तो 8 हो गया है, 8 में 4 जोड़ा तो 12 हो गया है, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो जब में सब में 4 जोड़ते आ रहे हैं तो पी में भी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पर क्या आएगा, टी आ जाएगा। तो क्या आया था, ओ और ई आया था और टी आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया, ओ ई टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।